सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो गया, पेरेंट की बेल ग्रांट हो गई है और 10 लाख रुपया उनको फाइन जमा करना है और किसी तरह का कोई कंडीशन। सर अब कब तक उम्मीद की जा सकती है कि लालू प्रसाद यादव बाहर रहेंगे? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। राजद खेमे के लिए आज का दिन बहुत बड़ा और बहुत अच्छा है क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कुछ ही दिनों पहले जो है उन्हें सजा मुकर्रर की गई थी, 5 साल की कैद के साथ 60 लाख रुपए जुर्माना उन्हें लगाया गया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव के पक्ष ने इसको लेकर कोर्ट में चैलेंज किया और अब सीबीआई के विरुद्ध केस लड़ते हुए लालू प्रसाद यादव को जमानत जो है वो मंजूर कर दी गई है। इस पर लालू प्रसाद यादव के वकील विस्तार से बता रहे हैं कि कोर्ट के भीतर जब हियरिंग हुई कैसे कैसे दलीलें रखी गई और कैसे कोर्ट ने ये माना कि लालू प्रसाद यादव को अब जमानत दे देनी चाहिए। इस विषय में लालू प्रसाद यादव के वकील क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ फैसला? लालू जी का सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो गया, पेरेंट की बेल ग्रांट हो गई है और 10 लाख रुपया उनको फाइन जमा करना है और किसी तरह का कोई कंडीशन। सर आप लोगों ने क्या क्या प्ली दिया, सीबीआई ने क्या कहा था? हम लोग ने हाफ सेंटेंस का प्ली जो प्रीवियस केस में लिया था वही प्ली इस केस में भी लिया है और टोटल करीब 42 महीना हमारा हो गया था इस केस में कस्टडी पीरियड, उसको कंसीडर करते हुए कोर्ट ने बेल ग्रांट किया। सीबीआई ने उसको अपोज किया कि आधा सेंटेंस नहीं हुआ है, पर कोर्ट ने इनके दलील को नहीं माना और हमारे दलील को मानते हुए सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। 42 महीना 5 साल की सजा थी, 30 महीना की जरूरत है। सर अब कब तक उम्मीद की जा सकती है कि लालू प्रसाद यादव बाहर रहेंगे? तो आपने लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार को सुना। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आखिरकार जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में ये सुनवाई हुई। लालू प्रसाद यादव को 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, उसके बाद जमानत दी गई है। सीबीआई कोर्ट की ओर से जवाब सौंपा गया था बीते बुधवार को ही और आज फिर से सुनवाई हुई। लालू प्रसाद यादव लंबे वक्त से चाह रहे थे कि उन्हें जमानत मिल जाए, हालांकि इनके पक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि आधी सजा पूरी कर ली गई है, इसके अलावा उम्र और बीमारी का भी हवाला दिया गया था, लेकिन सीबीआई बार बार ये कह रहा था कि अभी तक लालू प्रसाद यादव ने अपने सजा की आधी अवधि यानी कि सेंटेंस की आधी अवधि जो है वो पूरी नहीं की है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के पक्ष की तरफ से सजा की आधी पूरी कर लेने को आधार बनाया गया था और लालू प्रसाद यादव को इसके बाद जमानत जो है वो दे दी गई है। लंबे समय से लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी काफ़ी परेशान थे, लेकिन आज पटना में राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी भी है और इसी मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत भी मिल गई है, तो उनकी जो खुशी है वो दोगुनी हो गई है। और आपने सुना कि लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि किस तरह से कोर्ट में क्या क्या हुआ और कैसे जमानत मिल गई है। लाइव सीरीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।